यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. मोस्ट वेलकम टू यू इन दिस सेगमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन, सेम थिंग. वी कैन से इट एज कोएगुलेशन, या हम इसको कह दें फ्लॉकुलेशन, या हम इसको कह दें प्रेसिपिटेशन, एक ही चीज़ है. बच्चों याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोरल सोल्यूशन, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेशन स्पेलिंग का, सॉरी पेप्टाइजेशन स्पेलिंग कहाँ से चालू हो रही थी, पी से. मैंने बताया था द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन. उसका उल्टा कोएगुलेशन, मेनली इसको हम कोएगुलेशन कहते हैं, लेकिन हम इसको फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं. हमने तीनों नाम आपके सामने लिख दिए. कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन की स्पेलिंग चालू होती है सी से. तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट. देखिए, पेप्टाइजेशन की स्पेलिंग पी से चालू होती थी, तो प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन. इसकी स्पेलिंग सी से चालू होती है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन सी से इनटू प्रेसिपिटेट, कैसे, बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन. तो अगर इसकी डेफिनेशन कोई लिखने को बोले तो बच्चों भी कह सकते हैं the process of conversion of colloidal solution into precipitate. कहे में बच्चों, into precipitate. Precipitate समझते हैं ना, जो चीज़ soluble नहीं होती है, into precipitate by the addition of suitable amount of suitable electrolyte is called, कुछ भी कह सकते हो आप, coagulation, है ना. मैंने ऊपर तीनों नाम लिख दिए हैं, और फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे वो अपोजिट होनी चाहिए. अगर मान लीजिए आपका कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, तभी तो वो कोगुलेट होगा. कोगुलेट होना मतलब प्रेसिपिटेट होना, और प्रेसिपिटेट होना मतलब फ्लॉकुलेट होना. चलिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ, नंबर वन, अगर मान लीजिए कि हमने पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट लिया, कौन सा, फेरिक हाइड्रोक्साइड. मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले पिछले सेगमेंट में कि कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव हो सकते हैं और कौन कौन से कोलाइड. देखिए, कोलाइडल सॉल्ट मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, कंफ्यूज मत होइएगा. सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम सॉल लिखते हैं. तो हम ये लिख सकते हैं कि द कोएगुलेशन ऑफ, एग्जाम्पल है द कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, है ना. कैसा चार्ज बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट, सॉल्यूशन को सॉल्ट लिखते हैं, ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. बच्चों मैंने आपको बताया था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडल सॉल्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. कैन बी डन बाय, काय काय से कर सकते हैं भाई बताओ, कैन बी डन बाय एडिशन ऑफ सीएल निगेटिव. कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, Cl निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. SO42 निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ये भी ले सकते हैं, और PO43 निगेटिव इलेक्ट्रो आयंस ले सकते हैं. तो आयंस है ना, इन आयंस के द्वारा कर सकते हैं. तो कोई अगर आपसे पूछे कि अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्ट का कोगुलेशन करना है, तो आप कौन सी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, तो बच्चों हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं वो Cl निगेटिव वाले आयन वाली ले सकते हैं, सल्फेट आयन वाला ले सकते हैं, फॉस्फेट आयन वाला ले सकते हैं. इसी तरह से अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल में बोलूं कि द कोएगुलेशन ऑफ यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज दिया था, अब मान लीजिए निगेटिवली चार्ज ले लें, द कोएगुलेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट मतलब सॉल्यूशन ऑफ अर्सीनियस सल्फाइड. आप याद करिए, मैंने आपको अर्सीनियस सल्फाइड बताया था. कैन बी डन किया जा सकता है बाय द एडिशन ऑफ कौन सी इलेक्ट्रोलाइट, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
आप यहाँ पे पूरा लिख ले, ऊपर थोड़ा सुधार लेना, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कौन कौन से आयंस, या तो उनके पास K प्लस आयन हो, पॉजिटिव आयन हो, पोटेशियम आयन हो सकता है, या कैल्शियम आयन हो सकता है, या एल्यूमिनियम आयन हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्लस और प्लस को अगर आपको जमाना है, कोगुलेट करना है, प्रेसिपिटेट करना है, तो हम नेगेटिव वाला आयंस मिला सकते हैं। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोगुलेशन करने के लिए या प्रेसिपिटेशन करने के लिए जो प्लस वाला होता है, हम Cl नेगेटिव आयन भी मिला सकते हैं, हम SO4 नेगेटिव आयन भी मिला सकते हैं, हम फॉस्फेट आयन भी मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और वो माइनस है, तो प्लस माइनस दोनों के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, और जब दोनों के चार्ज को कैंसिल कर देंगे तो जो लिक्विड था, सॉल्यूशन था, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे समझिए जैसे दूध है वो दही में बदल जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए था कोगुलेशन ऑफ, अगर हमें जमाना है किसका, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट आर्सेनियम सल्फाइड सॉल्यूशन है जो नेगेटिवली चार्ज है, इसको हमें कोगुलेशन करना है, तो हम इसमें ऐसी इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे जिनमें पॉजिटिव आयन होगा। हम के पॉजिटिव मिला सकते हैं, हम Na पॉजिटिव मिला सकते हैं, हम Ca2 पॉजिटिव मिला सकते हैं, हम Al3 पॉजिटिव भी इसके अंदर मिला सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम। तो अगर कोई अगर से पूछे कि व्हाट इज कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन, तो C से कोगुलेशन, C से कोलाइडल सॉल्यूशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्ट भी ले सकते हैं, इनटू प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब आप ये बोलेंगे कि तिवारी सर, यहाँ पर आपने जो वर्ड यूज़ किया है बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ये क्यों यूज़ किया है? अगर मान लीजिए 4 ग्राम है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट भी 4 ग्राम लेना पड़ेगी, इसलिए सुटेबल अमाउंट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्यों? अगर मान लीजिए कोलाइडल सोल्यूशन आपका पॉजिटिव होगा तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट निगेटिव होगी, अगर आपका कोलाइडल सोल्यूशन निगेटिव होगा तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव होगी। इज इट क्लियर? तो बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वन इज बच्चों हार्डी सुल्जे लॉ। क्या होता है हार्डी सुल्जे लॉ, दैट विल बी वी विल रीड। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसकी वैलेंसी एक है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस चार्ज है, इसकी वैलेंसी 3 है। पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा Cl निगेटिव, निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1 है। मैंने बोला SO4 निगेटिव, इसकी वैलेंसी 2 है। मैंने बोला फॉस्फेट आयन है, इसकी वैलेंसी 3 है। तो वैलेंसी मतलब मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों हार्डी सुल्जे लॉ, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड विथ कोएगुलेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कि हार्डी सुल्जे लॉ जो है ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो हार्डी सुल्जे लॉ रिलेटेड है जिस कॉन्सेप्ट से, उसका नाम है कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। चलिए देखते हैं क्या कहता है हार्डी सुल्जे लॉ। पहले मैं आपकी इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं। हार्डी सुल्जे लॉ कहता है बच्चों, ग्रेटर दी वैलेंसी ऑफ आयन, ये लॉ कहता है ग्रेटर दी वैलेंसी ऑफ आयन, अगर किसी आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी कॉमा, ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर, ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग, ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर, है ना। ये डेफिनेशन किसने दिया था? हार्डी सुल्जे ने दिया था, इसलिए इसको हम हार्डी सुल्जे लॉ कहते हैं। ये लॉ कहता है कि किसी भी आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, उस आयन का कोगुलेटिंग पावर यानी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने का पावर उतना ज़्यादा होगा। चलिए एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए हमें पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन का कोगुलेशन करना है, तो हम कौन सी इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे जिनमें निगेटिव आयन्स होंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ कि दी कोएगुलेशन ऑफ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दी कोएगुलेशन ऑफ, है ना, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट, दी कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट ऑफ FeO3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का कैसे कर सकते हैं बोलो? कैन बी डन बाय Cl नेगेटिव आयन, है ना, और सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव आयन और PO4 नेगेटिव आयन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, क्योंकि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव कोलाइड सॉल्ट है, और हमें इसका कोगुलेशन करना है, तो हम इसमें निगेटिव आयन्स मिलाएंगे। हार्डी सुल्जे ने क्या कहा कि किसी आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना तेजी से उसको कोगुलेट करेगा, उतना तेजी से उसको प्रेसिपिटेट करेगा। बताइए सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी फॉस्फेट आयन की, क्योंकि ये 3 नेगेटिव चार्ज है,
कम मिलाना पड़ेगा। उससे कम किसकी होगी? सल्फेट आयन की, क्योंकि दो निगेटिव चार्ज है। सबसे कम किसकी होगी? आयन की। तो किसी भी आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि increasing order of coagulating power of ions क्या होगा, तो सबसे कम coagulating power होगी Cl negative की, उससे ज़्यादा coagulating power होगी सल्फेट आयन की, और सबसे ज़्यादा coagulating power होगी फॉस्फेट आयन की। तो वही तो हो रहा है, greater the valency of ion, greater will be its coagulating power। एक negative charge है, कम जमाएगा, कम शक्ति होगी। ज़्यादा निगेटिव चार्ज दो है तो और ज़्यादा करेगा, तीन है तो और ज़्यादा करेगा। तो किसी आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखें। अभी इससे पहले मैंने बताया था द कोएगुलेशन ऑफ, अब पॉजिटिव लिया तो अब निगेटिव ले लें, है ना। दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कोएगुलेशन ऑफ निगेटिव। अब निगेटिव वाला ले लें, कोई भी ले सकते हैं आप। निगेटिव कोलाइडल सॉल ऑफ अर्सीनियस सल्फाइड As2S3 कैन बी डन, किया जा सकता है। कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट से कर सकते हैं? Na+ से कर सकते हैं, Ca2+ से कर सकते हैं, या Al3+ से कर सकते हैं। भाई वो निगेटिवली चार्ज है अर्सीनियस सल्फाइड, नाम मैंने आपको बताता चला रहा हूँ। उसमें हम सोडियम आयन भी मिला सकते हैं, कैल्शियम आयन भी मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम आयन भी मिला सकते हैं। तो अगर हम इसका देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर इन आयन का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर, यदि बच्चों हम इनके कोएगुलेटिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो सबसे कम कोएगुलेटिंग पावर किसका होगा? Na+ का, क्योंकि इसकी वैलेंसी सबसे कम है, एक वैलेंसी है। उससे ज़्यादा कौन से का होगा? कैल्शियम आयन का, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा? एल्यूमिनियम आयन का होगा। तो बच्चों हार्डी सुलझे ने बताया कि किसी आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसको सॉल के कोगुलेटिंग पावर कोगुलेट करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है तो नेगेटिव वाला मिलाएंगे, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव वाला मिलाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो उसको सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर 3- की होगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इज क्लियर बच्चों? वेरी सिंपल लॉ, हार्डी सुलझे लॉ विच इज़ एसोसिएटेड विथ कोएगुलेशन। क्या कहता है कि किसी भी आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उस आयन का कोगुलेटिंग पावर उतना अधिक होगा। इज इट क्लियर बच्चों? सो नोट डाउन बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत समझ के रखिएगा, मैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए कि ये गांव वाले हैं और गांव वालों को विलेजर्स हैं। विलेजर्स को हमने जो नाम दिया है, जो डरे हुए हैं क्योंकि इन पर आतंकवादी हमला करते हैं, तो ये गांव वाले चूंकि डरे हुए हैं तो इस वाले कोलाइड को हमने नाम दे दिया लायोफोबिक कोलाइड। बहुत समझ के, लायोफोबिक कोलाइड, है ना, बहुत समझ के पढ़िएगा, है ना। ये जो है ये गांव वाले हैं, ऐसे बना दिया मैंने, जो डरे हुए हैं और इनको हमने बोल दिया लायोफोबिक कोलाइड। ये क्यों डरे हुए हैं? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डरे हुए हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि इनमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं तो वो इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आतंकवादी इन पर हमला करेंगे, इसलिए जड़े हुए हैं। हमारे लिए आतंकवादी, हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट को, क्या ले लिया? इलेक्ट्रोलाइट को। क्योंकि अगर ये लायोफोबिक कोलाइड पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव वाली इलेक्ट्रोलाइट इसको मतलब कोगुलेट कर देगी। अगर ये मान लो लायोफोबिक कोलाइड पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव वाली इलेक्ट्रोलाइट इसको जमा देगी, कोगुलेट कर देगी। अगर ये निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोलाइट इसको कोगुलेट कर देगी। हम ये चाह रहे हैं कि जो गाँव वाले हैं इनको ये जो इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो आतंकवादी हैं, उनकी गोली इनको ना लगे। तो हम गाँव में पुलिस वालों को भेज देंगे। चलो भाई, गाँव में पुलिस की एंट्री हो गई। पुलिस की जो एंट्री हुई है वो ये एंट्री हो गई। तो ये पुलिस वाले हैं, लेकिन उन पुलिस वालों को हमारे लैंग्वेज में हमने लिख दिया लायोफिलिक कोलाइड। हमने क्या बोल दिया उनको? हमने बोल दिया लायोफिलिक कोलाइड, है ना, LYOPHILIC, है ना। कौन सा कोलाइड बोल दिया उनको? हमने बोल दिया
लायोफिलिक कोलाइड. इज इट क्लियर? अच्छा, लायोफिलिक कोलाइड कौन है? पुलिस वाले, ये पुलिस वाले. तो अगर ये पुलिस वाले आ जाएंगे तो क्या ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो आतंकवादी हैं, क्या इन पर हमला कर पाएंगे? क्या इसे कोगुलेट कर पाएंगे? क्या अंदर वाले को? नहीं कर पाएंगे, इसको जमा नहीं पाएंगे. तो लायोफिलिक कोलाइड के प्रेजेंस में क्या हुआ कि कोगुलेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इनकी प्रेजेंस में क्या हुआ कि कोएगुलेटिंग, है ना, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए, कोएगुलेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन लायोफोबिक कोलाइड, ऑन लायोफोबिक कोलाइड इज डिक्रीज्ड और डिस्ट्रॉयड. या तो खत्म हो गया या फिर बहुत कम हो गया. तो क्या हो रहा है, लायोफिलिक कोलाइड, ये जो पुलिस वाले हैं, ये गांव वालों को आतंकवादियों से बचा रहे हैं. तो लायोफिलिक कोलाइड कर क्या रहा है? लायोफोबिक कोलाइड का इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेशन नहीं होने दे रहा है. इसलिए बच्चों, लायोफिलिक कोलाइड को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड. इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड. और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है बच्चों, इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, है ना. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड. ठीक है, ये जो लायोफिलिक कोलाइड है, ये गम हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, जिलेटिन हो सकता है, एल्ब्यूमिन हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है. ठीक, तो हम अपनी थ्योरी में क्या लिखते हैं, देखिए फिर से समझिए. लायोफोबिक, फोबिक मतलब डरे हुए, इन्हें गांव वाले बता दीजिए. इलेक्ट्रोलाइट आतंकवादी हो गए, लायोफिलिक पुलिस वाले हो गए. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को सीधे लायोफोबिक में लाते तो उसको कोगुलेट कर देगी, जमा देगी. लेकिन अगर हम इसके अंदर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन मिला देते हैं तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रोलाइट को कोगुलेट नहीं होने देगी लायोफोबिक कोलाइड में, या उसको डिस्ट्रॉय कर देगी उसकी शक्ति को. इसलिए लायोफिलिक कोलाइड को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहेंगे, और जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड. तो इसकी थ्योरी अगर कोई हमसे पूछे तो हम ये लिख सकते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन is added to lyophobic colloidal salt, then तो क्या होता है, lyophobic colloid की stability बढ़ जाती है, यानी इसको डर नहीं लगता कि कोई हमें गोली मार देगा. then stability of lyophobic colloidal salt is increased. अरे भाई, गांव वाले में अगर आतंकवादी हैं, अगर गांव वालों के पास पुलिस आएगी, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल आएगा, तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी. इसका मतलब हुआ दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल the coagulating effect of electrolyte on lyophobic colloid, the coagulating effect on lyophobic colloid is decreased, या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा. लायोफोबिक कोलाइड is decreased or destroyed, या तो बहुत कम हो जाएगा या तो खत्म ही हो जाएगा. इसलिए हम ये कह सकते हैं, therefore लायोफिलिक कोलाइड को हम जिस नाम से जानते हैं उसको बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड, और ये जो तुम्हारी प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड. जो भी कोलाइड,
इलेक्ट्रोलाइट का लायोफिलिक कोलाइड पर कोगुलेशन होने से रोकता है उसे हम लायोफिलिक कोलाइड बोलते हैं, और लायोफिलिक कोलाइड को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं। मान लीजिए कोई आपसे एग्जांपल पूछे कि लायोफिलिक कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड का एग्जांपल बताइए, तो प्रोटेक्टिव कोलाइड को जो एग्जांपल होंगे वो होंगे स्टार्च, या हम ले सकते हैं जिलेटिन, या हम ले सकते हैं गोंद गम, या हम ले सकते हैं एल्ब्यूमिन, या हम ले सकते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये सारे के सारे कौन से कोलाइड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे तुम्हारे प्रोटेक्टिव कोलाइड, इनको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोल सकते हैं, या इन्हें को हम बोल सकते हैं लायोफिलिक कोलाइड। तो बच्चों बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। ठीक है, अगर कोई आपसे एक वर्ड में पूछे कि किस कोलाइड को आप प्रोटेक्टिव कोलाइड कहेंगे, लायोफोबिक कोलाइड को कहेंगे या लायोफिलिक कोलाइड को कहेंगे, तो लायोफिलिक को कहेंगे। बच्चों वो कैसे आप याद रखोगे, फोबिक मतलब डरा हुआ, तो लायोफोबिक कोलाइड मतलब वो डरा हुआ कोलाइड है, तो वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए लायोफिलिक कोलाइड को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हम किसी भी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को मिलाते हैं, तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करता है, उस लायोफोबिक कोलाइड का इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेशन होने से रोकता है या उसको ख़त्म कर देता है, इसलिए लायोफिलिक कोलाइड को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहेंगे, और जो प्रोसेस है इसे हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड कहते हैं। कौन कौन से कोलाइड को हम लायोफिलिक कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड कह सकते हैं, स्टार्च हो सकता है, जेलेटिन हो सकता है, गोंद हो सकता है, एल्ब्यूमिन हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। भाई स्टार्च मान लीजिए ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा कि कम प्रोटेक्ट करेगा, ये ज़्यादा स्ट्रांग है प्रोटेक्टिव कोलाइड की, जेलेटिन ज़्यादा है या गम कम है। तो किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी को नापने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जिग मॉन्डी। उन्होंने एक नंबर दिया, उस नंबर को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो बच्चों अगला टॉपिक दैट आई विल टीच यू दैट इज गोल्ड नंबर। तो पहले इसे नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है गोल्ड नंबर। जो स्टेटमेंट है, ये जो टर्म है गोल्ड नंबर, ये जिस साइंटिस्ट ने दी थी उस साइंटिस्ट का नाम था जिग मॉन्डी। हालांकि ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उस साइंटिस्ट का नाम था जिग मॉन्डी, जिसने गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट देने की मतलब क्या है कि ये बताता है कि किस प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी कितनी होगी। उल्टा है, रेसिप्रोकल होता है गोल्ड नंबर। किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी। उल्टा है, गोल्ड नंबर कम होगा प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी कम होगी। अब सबसे बड़ा टारगेट ये है, ये तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम दिया था गोल्ड नंबर, कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जो प्रोटेक्ट होता है वो कौन सा कोलाइड होता है, लायोफोबिक कोलाइड। हमने लायोफोबिक कोलाइड ले लिया 10 ml गोल्ड सॉल, है ना। हमने हमारा जो लायोफोबिक कोलाइड था, क्योंकि गाँव वाले कौन होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड होते हैं, और हमने जो लायोफोबिक कोलाइड ले लिया वो क्या ले लिया, वो ले लिया 10 ml गोल्ड सॉल, 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल। ये हो गया लायोफोबिक कोलाइड, है ना। ये कौन सा कोलाइड है ना, ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो जिसको हम बचाते हैं वो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल होता है, कोलाइडल सॉल होता है। हम इसका नाम नहीं याद रखेंगे, हमें ये याद रखना है। अच्छा, ये लायोफोबिक कोलाइडल सॉल है जो, अच्छा यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था जो इसको कोगुलेट करती है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट हमें ध्यान ही रखना है, यहाँ पर हमें इस इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को ध्यान में रखना है। इस इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कितनी होगी, 1 ml 10%, 1 ml कॉमा 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये हो जाएगी 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये हम इसमें मिला देंगे तो ये इसको कोगुलेट कर देगी, जमा देगी लायोफोबिक को। तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, हमें लायोफिलिक कोलाइड सॉल्व मिलाना पड़ेगा, और उस लायोफिलिक को हम कौन सा कोलाइड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये जो हम प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाएंगे इसको कौन से ग्राम में मिलाएंगे, इन मिलीग्राम, और ये तुम्हारा प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा कोलाइड कहलाता है, लायोफिलिक कोलाइड, है ना। ये मैंने अभी पिछले टॉपिक में जो आपको पढ़ाया था
कि ये कौन सा कोलाइड कहलाता है, ये कहलाता है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड। आपको जो मैंने सर्कल किया है ना, ये चीजें यहां नहीं बोलनी है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड में मैंने आपको जो नाम लिया था इलेक्ट्रोलाइट लिया था, अब आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलना है, इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे बोलना है 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट बोलना है। पिछले वाले मैंने आपको लायोफोबिक कोलाइडल सॉल बताया था, अब आपको लायोफोबिक कोलाइडल सॉल नहीं बोलना है, 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल बोलना है। इसके पहले वाले मैंने आपको लायोफिलिक कोलाइड बताया था जो प्रोटेक्टिव कोलाइड था, अब आपको लायोफिलिक कोलाइड की जरूरत नहीं है बल्कि प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलना है और मिलीग्राम में बोलना है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भाई गोल्ड नंबर क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं, सुनिएगा, गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा होती है जो 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल में अगर हम उसको मिला दें तो वो इसका 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेशन होने से रोकती है। तो ये प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या करता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या करता है, प्रिवेंट कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ ऑफ गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल। ये मात्रा हम कहाँ में लेंगे, मिलीग्राम में लेंगे। तो गोल्ड नंबर की अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, गोल्ड नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, इज द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव, इज द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन इन मिलीग्राम। ये काहे में नंबर है बोलो, mg मिलीग्राम में है, विच वैन प्रेजेंट इन, जो विच वैन प्रेजेंट इन, विच वैन प्रेजेंट इन, जो किस में प्रेजेंट रहता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड किस में ला दिया है, प्रेजेंट इन 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल, 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल, देन 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल, देन प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन, प्रिवेंट इट्स इट्स कोएगुलेशन बाय, प्रिवेंट इट्स कोएगुलेशन बाय 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड, 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट। ये उसकी डेफिनेशन है। कोई अगर आपसे पूछे भाई गोल्ड नंबर क्या है, इधर देखिए, गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा है जो 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल में अगर मिला दें तो ये क्या करेगी, ये इसकी 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेशन होने से रोकेगी। अगर 3 mg मिलाएंगे तो गोल्ड नंबर की वैल्यू 3 mg हो जाएगी। यानी गोल्ड नंबर एक्चुअली है क्या, प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है। यहाँ पर बच्चों हमें एक चीज़ याद रखना है, ये तो डेफिनेशन हो गई गोल्ड नंबर की, क्या याद रखना है, ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, लेसर विल बी इट्स प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी, लेसर विल बी इट्स प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी, लेटर विल बी इट्स प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी। गोल्ड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी कम होगी। यहाँ पर बच्चों मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको गोल्ड नंबर लिख रहा हूँ और उसकी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी लिख रहा हूँ, है ना। ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, लेसर विल बी इट्स प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी, है ना। एक जगह मैं लिख रहा हूँ प्रोटेक्टिव कोलाइड और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू गोल्ड नंबर की, है ना। इसे आप नोट कर लीजिए, कम वाले की प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा वाले की कम होगी। पहला लिख रहा हूँ जिलेटिन, पहला आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड है जिलेटिन की जो आपकी वैल्यू होती है 0.005 to 0.01 होती है गोल्ड नंबर की वैल्यू, किसकी, जिलेटिन की। दूसरी है हीमोग्लोबिन, है ना, दूसरी है हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है आपकी 0.03 से 0.07। जेलेटिन की जो वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब इसकी गोल्ड नंबर सबसे कम है, इसका मतलब इसकी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। हीमोग्लोबिन की उससे ज़्यादा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी जेलेटिन से कम होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बाद एल्ब्यूमिन ना, अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का गोल्ड नंबर होता है 0.1 से 0.2, और बढ़ गया, ठीक है। एल्ब्यूमिन के बाद गम, गोंद,
है ना, गम गोंद की होती है 0.15 से 0.25, इसकी और कम हो गया, गोल्ड नंबर और कम हो गया, इसका मतलब प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गोल्ड नंबर बढ़ गया यानी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना। अगला हम ले रहे हैं स्टार्च, स्टार्च जो आलू में पाया जाता है, स्टार्च, स्टार्च के गोल्ड नंबर की वैल्यू होती है 20 से 25, तो स्टार्च के लिए जो आलू में पाया जाता है इसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी किसकी होगी, जेलेटिन की, और सबसे कम प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी किसकी होगी, स्टार्च की। ये जितनी भी वैल्यूज़ जो मैंने लिखी हैं ऑल वैल्यूज़ विल बी इन मिलीग्राम इन दैट इज एमजी। तो बच्चों ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया गोल्ड नंबर, ये जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम क्या था, ज़िगमंडी। ये क्यों किया था, टू डिटरमाइन द प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाई। सब कुछ सेम था, केवल मैंने देखिए जो प्रोटेक्ट करता है वो लायोफिलिक कोलाइड होता है, जिसको प्रोटेक्ट करता है वो लायोफोबिक कोलाइड होता है, और जो कोगुलेशन करता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। केवल आपको गोल्ड नंबर में सबकी वैल्यू असाइन कर देनी है, जो लायोफोबिक कोलाइड इसकी वैल्यू आपको दे देनी है 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल्ट, लायोफिलिक कोलाइड को आपको असाइन कर देना प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, और इलेक्ट्रोलाइट की आपकी वैल्यू दे देनी है 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है गोल्ड नंबर बच्चों, गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा होती है जो 10 ml गोल्ड कोलाइडल सॉल्ट में यदि हम मिला दें तो उसका 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेशन होने से रोकती है। जितनी ज़्यादा ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, लेसर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर या सॉरी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी। तो गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी। इज इट क्लियर? सो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी किसकी होती है, जेलेटिन की, क्योंकि जेलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है 0.0052 to 0.01 मिलीग्राम होता है। सबसे कम प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी किसकी होती है, स्टार्च की, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चों आज के इस सेगमेंट में आई टोल्ड यू अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। फर्स्ट वन इज कोएगुलेशन, एंड देयर इज अ लॉ व्हिच इज एसोसिएटेड विद कोएगुलेशन कॉल्ड एज हार्डी सुल्जे लॉ। वो भी मैंने आपको बताया कि ग्रेटर दी वैलेंसी ऑफ आयन ग्रेटर इट्स कोगुलेटिंग पावर। इसके बाद दूसरा जो मैंने टॉपिक बताया आपको वो बताया प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। चलिए मैं आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सा कोलाइड है जिसे हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं, बताइए। लायोफिलिक कोलाइड, और बचाता किसको है, लायोफोबिक कोलाइड को बचाता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था उसका नाम क्या था, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है जिससे हम किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी को पता लगाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, जितनी ज़्यादा गोल्ड नंबर की वैल्यू होगी आपके कोलाइड का प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी उतनी कम होगी, है ना। तो बच्चों देखते रहिए अगले टॉपिक्स में, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी इमल्शन क्या होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है, और किस तरह से कोई साबुन किसी कपड़े को साफ करता है, दैट इज इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ सोप, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, दैट आई विल टेल यू इन योर नेक्स्ट सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।